हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज पाइंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपी टेट क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स पार्ट की आंसर की तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं मीन्स विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड इफ़ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेश्स ऑन बोथ द एंड ऑफ डेटा अरेंज इन ए डिस ऑर्डर आर रिमूव मींस कह रहे हैं कि कुछ डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है फॉर एग्जाम्पल एक्स बाई जेड डब्लू अल्फ़ा कोई भी आप डेटा ले सकते हैं उसमें क्या जो एक्सट्रीम डेटा हैं उनको रिमूव किया गया मीन्स इसको रिमूव कर दें और इसको रिमूव कर दें तो इस डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो अफेक्टेड होंगे देखो एक तो मीन अफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो पैरामीटर्स आपने रिमूव कर दिए मीन अफेक्टेड हो गया और इससे क्या है मॉड भी अफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि मॉड क्या होता है नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं किसी भी नंबर के उस डेटा में जो रिपीट होते हैं ठीक है ना बट इससे क्या होगा मीडियन अफेक्टेड uh, नहीं होगा क्योंकि मीडियन जो होता है वो मिडिल नंबर होता है या एवरेज ऑफ टू मिडिल नंबर्स होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मीन एंड मॉड ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है यदि इसे एक सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो एक सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में से केवल एक ही फलक पर रंग होगा तो देखिए टोटल कितने फलक होते हैं इसमें सिक्स होते हैं और नंबर आपके क्यूज कितने होंगे इसमें नाइन नाइन इंटू कितना हो जाएगा फिफ्टी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पंचभुज के अंतः कोणों का योग याद कीजिए पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है फार्मूला 180 डिग्री इंटू एन माइनस टू तो यानी यहाँ पे क्या हो गया फाइव हो जाएगा तो फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा थ्री तो वन एट्टी इंटू थ्री कितना होगा फाइव फोर्टी ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट नाइन्टी फोर एक खंबे का चार बटे सात भाग कीचड़ में धँसा है जब धसे हुए का एक बटे तीन भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि आठ मीटर माप का खम्बा अभी भी कीचड़ में है खंबे की पूरी माप क्या होगी तो मान लीजिए आपकी कि खंबे की जो माप है वो एक्स मीटर है ठीक है ना तो अभी कीचड़ में कितना धंसा हुआ है फोर बाई सेवन तो कर लीजिए क्या एक्स इंटू फोर बाई सेवन इंटू कितना बाहर खींच लिया गया वन बाई थ्री बाहर खींच लिया गया तो इसका अभी कितना पार्ट अभी अंदर है तो टू बाई थ्री अंदर होगा तो इसको टू बाई थ्री कर लेते हैं इंटू टू बाई थ्री बराबर कितना हो जाएगा ये कितना है इसका मेजरमेंट आठ तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा फोर इंटू टू एट एट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी वन मीटर्स ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा तो देख लीजिए आप यहाँ पे सबसे पहले एफिशिएंसी देख लीजिए ए और बी की कितनी है ए प्लस बी बराबर वन बाई ट्वेल्व बी प्लस सी बराबर वन बाई फिफ्टीन सी प्लस ए बराबर वन बाई ट्वेंटी इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर क्या मिलेगा टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर वन वाई ट्वेल्व प्लस वन वाई फिफ्टीन प्लस वन वाई ट्वेंटी इसको सॉल्व कर लो आप इसका एलसीएम कितना हो गया थ्री हंड्रेड हो गया ये हो गया ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव टाइम्स थ्री हंड्रेड प्लस ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन तो ये आ गया सिक्सटी अपान थ्री हंड्रेड ये आ गया वन वाई फाइव तो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा अपना वन बाई टेन ठीक है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया वन बाई टेन आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है वन बाई टेन तो ए बराबर क्या कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए वन बाई टेन माइनस कितना हो जाएगा बी प्लस सी कितना है फिफ्टीन डेज में करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी वन अपान फिफ्टीन तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको देखिए वन अपान टेन माइनस वन फिफ्टीन ले लो आप इस चीज़ का कितना आ गया एक सौ पचास एक सौ पचास यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा फिफ्टीन माइनस टेन मीन्स फाइव वन फिफ्टी ये आ गया आपका वन अपॉन थर्टी मीन्स ए जो है वो उस काम को थर्टी डेज में पूरा करेगा कितना आंसर है इसका थर्टी डेज ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट नेक्स्ट इज नाइन्टी सिक्स किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का थ्री बाई टू है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा तो देखिए इसमें क्या है क्रय मूल्य कितना है मान लीजिए क्रय मूल्य एक्स है तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया यहाँ पे विक्रय मूल्य है आपका नहीं विक्रय मूल्य ही एक्स मान लो आप विक्रय मूल्य कितना है एक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा थ्री बाई टू एक्स मीन्स जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा है इसका मतलब इस जो भी ट्रांजेक्शन होगा इसमें क्या होगा हानि होगी ये तो कन्फर्म गई फार्मूला क्या होता है आपके पास फार्मूला होता है लाभ हानि परसेंटेज इक्वल टू होता है जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होता है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड ठीक है ना तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस कर देते हैं उसको तो सेलिंग प्राइस क्या माना था एक्स माना था कास्ट प्राइस कितना था थ्री बाई टू एक्स कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है थ्री बाई टू एक्स इंटू हंड्रेड इसको जब आप साल करोगे तो आपको मिलेगा वन हंड्रेड बाई थ्री तो हंड्रेड बाई थ्री को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा थर्टी थ्री इंटू वन बाई थ्री परसेंट नंबर थ्री इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन टू वन जीरो वन टू को ट्वेल्व से भाग देने पर फल होगा कर लेते हैं डिवाइड बहुत ही आसान five, क्वेश्चन है बारह वन टाइम्स जाएगा बारह अट्ठे छियानवे नाइन्टी सिक्स फोर फाइव फाइव आ गया फाइव टू फोर्टी एट कितना बच गया फोर्टी एट फाइव माइनस फिफ्टी टू फोर एक्सेसफल आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट नाइन्टी एट तीन सौ अठहत्तर दो सौ छत्तीस चार सौ उनसठ तीन सौ बारह के गुड़न फल में इकाई का अंक होगा इकाई का अंक क्या हो जाएगा करदो कड़न फलाफ इकाई के अंकों का आठ छक्के अड़तालीस एट आठ निम्मा बहत्तर दो दूनी चार फोर आ जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा इंग्लिश में पढ़ते हैं साफ साफ लिखा है वाट विल बी द मीडियन ऑफ़ द गिवन डेटा इफ द मीन इज 4.5 पॉइंट फाइव ओके मीन कितना दिया है 4.5 दिया गया है मीन होता क्या है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ द वैल्यूज तो इन सबका टोटल कर दीजिए आप टोटल कितना आ जाएगा सात पाँच बारह सात उन्नीस उन्नीस आठ सत्ताईस सत्ताईस पाँच बत्तीस चार छत्तीस तीन उनतालीस चालीस बयालीस मीन्स फोर्टी टू प्लस x अपान कितने नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन कितना हो गया मीन कितना दिया फोर पॉइंट फाइव इसको सॉल्व करोगे okay, तो कितना फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी टू एक्स बराबर कितना आ जाएगा थ्री इसको अब आप अरेंज कर लो x बराबर थ्री आ गया यहाँ पे पूछा गया क्या है आपसे पूछा गया है आपसे मीडियन पूछा गया है वेरी गुड ठीक है अब इसको आप अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या आ जाएगा वन वन आ गया ओके टू थ्री थ्री आ गया एक्स बराबर भी थ्री आया तो थ्री लिख लेते हैं फोर फाइव टू टाइम्स है फाइव कम फाइव सिक्स नहीं है सेवन टू टाइम्स है सेवन कम सेवन एट ठीक है देख लेते हैं कितने तो नंबर हो गए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस सारे नंबर्स आ गए अब इसमें देखिए मीडियन क्या होगा मीडियन होता है मिडिल टर्म्स अब इसमें इवन नंबर्स हैं तो दो मिडिल टर्म्स के सम का एवरेज निकालेंगे तो यहाँ से क्या है चार चार संख्याएं हटा देते हैं चार ये गए एक दो तीन चार ये गए तो क्या गया फोर प्लस फाइव बाई टू नाइन बाई टू कितना होगा गया फोर पॉइंट फाइव आंसर आएगा, आएगा आपका फोर पॉइंट फाइव मीन्स ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड टू द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ एरियंस इन स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस ऑफ एरियंस दिया था आपका आर ए फर ने न्यूटन आपके मोशन के लॉज दिए थे इन्होंने लाप्लास आपके सिग्नल से रिलेटेड है घास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से रिलेटेड है आर ए फर के रिलेटेड है ये आपके रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन जीरो वन ट्राइंगल ए बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं ज्ञात कीजिए डी ई एफ ये क्या है मिड पॉइंट्स हैं अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये और ये बराबर होंगे ये इसके बराबर होगा ये इसके बराबर होगा सारी भुजाएं बराबर होंगी तो देखिए इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा एरिया हाफ डी ई एफ इक्वल्स टू वन बाई फोर ट्रेंगल ए बी सी ये ऑप्शन नंबर वन इज़ करेक्ट वन बाई फोर हो जाएगा क्योंकि चार ट्रेंगल्स बन रहे हैं इसमें वन ज़ीरो टू यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए है मीन्स एरेथमेटिक मीन ए है ज्यामिति मीन ज्योमेट्रिक मीन जी है और हरात्मक माध्य एच हो तो तो अच्छा इसमें से आपको इनक्वलिटीज़ फाइंड आउट करनी है कौन सी ट्रू है तो एरिथमेटिक मीन हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है और ये आपका हरात्मक माध्य से क्या होता है बड़ा होता है या बराबर होता है मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच सही है ग्रेटर देन जी ये दो ऑप्शन एक जैसे क्यों दे रहे हैं इसमें ये ऑप्शन नहीं ये अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू इज़ करेक्ट ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच नेक्स्ट इज वन जीरो थ्री यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः क्रमशाह पाँच तथा छत्तीस है तो उनके व्युतक्रमों का अंतर क्या होगा मान लीजिए कोई भी संख्याएं ए और बी हैं तो क्या पूछा गया है उनके व्युतकर्मों का अंतर पूछा गया है तो वन अपान ए माइनस वन अपान बी पूछा गया है तो ये क्या होगा ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए अपान ए बी दोनों तो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है संख्याओं का अंतर पाँच है ओके दोनों का गुणनफल कितना 36 है छत्तीस है ओके थर्टी सिक्स आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइव अपान थर्टी सिक्स ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन जीरो फोर बीसवीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ गणितीय प्रतिभावान कौन थे बीसवीं सदी के थे आपके श्रीनिवास रामानुजम नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा मान लीजिए आप लंबाई क्या दिएगा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है तो चौड़ाई कितनी मान ली हमने एक्स मान ली लंबाई कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी ठीक है परिमाप कितना होता है इसका परिमाप हो जाएगा टू एक्स प्लस टू एक्स और परिमाप में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हाइट का क्या आ जाता है दीवारों का क्षेत्रफल ये कितना दिया है छः सौ साठ तो देखिए यहाँ से एलेवन से छः सौ साठ को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिक्स जीरो टू से सिक्सटी को डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्टी तो थ्री एक्स बराबर कितना आ गया थर्टी तो एक्स बराबर कितना हो गया टेन तो एक्स बराबर टेन आ गया तो लंबाई लंबाई कितनी आ जाएगी टू एक्स ये हो जाएगी आपकी ट्वेंटी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा टेन इंटू ट्वेंटी कितना हो गया टू हंड्रेड मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर टू हंड्रेड मीटर स्क्वायर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 बाई थर्टी थ्री कामा फोर्टी टू बाई फिफ्टी फाइव ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी टू का महत्तम समाप वर्तक है आपसे एच सी एफ पूछा गया है तो एच सी एफ क्या होता है एच सी एफ होता है एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर्स तो एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स क्या होगा देखिए यहाँ पे फोर्टीन कामा फोर्टी टू कामा ट्वेंटी वन एस सी एफ क्या होता है हाइस्ट कामन फैक्टर तो हाइस्ट कामन फैक्टर इसमें क्या हो सकता है सेवन तो इसका एस सी एफ़ सेवन होगा मीन्स न्यूमरेटर में हमें सेवन आएगा एक ही ऑप्शन है ऐसा ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट सेवन बाय थ्री थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सेवन प्लस टू रूट टेन का वर्गमूल होगा ठीक है तो इसमें क्या करना पड़ेगा टेन को ऐसे आप डिवाइड करो कि उसका जो टोटल है वो सेवन आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं सेवन प्लस टू अंडर रूड फाइव इंटू टू ओके तो ये आ जाएगा आपका फाइव अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर कर दें तो यही आ जाएगा आपका आंसर मीन्स तो सेवन प्लस टू रूट टेन का बरमूल कितना हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट फाइव ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट नेक्स्ट इज एक वर्ग और संभा त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है यदि त्रिभुज की एक भुजा चार बटे तीन सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा ठीक है एक इक्वेलैटरियल ट्रेंगल दिया गया है आपको एक इस तरह से ट्रायंगल है और एक स्क्वायर दिया गया है जिनमें से एक भुजा आपकी कामन है और इसमें भुजा की लंबाई कितनी है फोर बाई थ्री सेंटीमीटर है तो इस जो स्ट्रक्चर इस है इसका परिमाप कितना हो जाएगा पेरीमीटर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इंटू फोर बाई थ्री मीन्स ट्वेंटी बाई थ्री ऑप्शन नंबर इज़ ट्वेंटी बाई थ्री छः तीन अठारह ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है 99 से विभाजित कौन सी संख्या होगी देखिए 99 क्या होता है 11 इंटू नाइन अभी आपको देखना है 11 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है अगर अल्टरनेट जो डिजिट्स होते हैं उनका जो टोटल है वो बराबर आ जाए तो वो संख्या एलेवन से डिवाइड होगी ठीक है इसमें देख लेते हैं इसमें देखते हैं तीन और सात नौ और चार तेरह तेरह और छः उन्नीस इसमें तो नहीं होगा पाँच दो सात नहीं हो सकता नौ और तीन बारह और छः अठारह चार दो छः एक सात एक और पाँच छः और नौ पंद्रह सात दो नौ तीन बारह एक और चार पाँच और चार नौ पाँच तीन आठ एक नौ आपस नंबर फोर इज़ करेक्ट पाई क्या है पाई एक इेशनल नंबर है पाई क्या है एक इेशनल नंबर है नेक्स्ट इज टेन रेस टू पावर थ्री एक्स इज इक्ल्स टू वन ट्वेंटी फाइव तो टेन रेस टू पावर माइनस टू एक्स का मान क्या होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे टेन रैश टू पावर थ्री एक्स तो इसको वन ट्वेंटी फाइव को क्या लिख सकते हैं फाइव रैस टू पावर थ्री ठीक है ना तो यहाँ पे देखिए आप टेन रैस टू पावर एक्स रैस टू पावर थ्री इज इक्ल्स टू फाइव रैज टू पावर थ्री तो यहाँ से टेन रेस टू पावर एक्स बराबर कितना आ गया फाइव आ गया अब पूछा क्या गया आपसे टेन रेस टू पावर माइनस टू एक्स पूछा गया तो देख लीजिए यहाँ पे टेन एक्स की पावर माइनस टू कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइव रेस्ट टू पावर माइनस टू हो जाएगा तो इसको कह सकते हैं हम वन अपान फाइव स्क्वायर ये हो गया आपका वन अपान ट्वेंटी फाइव आंसर नंबर ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटीन को किसी संख्या से भाग देने पर भाग फल 167 प्राप्त होता है तथा शेष फल प्राप्त होता है तो भाजक होगा देखिए क्या है कह रहा है क्वेश्चन आपका सोलह जीरो सेवन फाइव में किसका भाग देने पर किसी एक संख्या का भाग देने पर भागफल कितना मिला वन सिक्सटी सेवन मिला और शेषफल कितना है फोर्टी थ्री इसका मतलब क्या है अगर हम सोलह हज़ार पचहत्तर से फोर्टी थ्री को लेस कर देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो वन सिक्सटी सेवन से इक्वली डिविजिबल होगी तो देख लो कर लेते हैं सोलह ज़ीरो सेवन फाइव माइनस फोर्टी थ्री कितना आ जाएगा यहाँ पे वन सिक्स जीरो फाइव टू थ्री सोलह ज़ीरो बत्तीस आ गया यहाँ पे अब ये जो सोलह ये संख्या जो है ना ये आपकी वन सिक्सटी सेवन से पूर्णता डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा देखिए वन सिक्स जीरो थ्री टू अपन वन सिक्स सेवन कितना आएगा यहाँ पे कितना है सोलह जीरो बत्तीस सोलह हज़ार बत्तीस और एक सौ सरसठ सौ का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सोलह हज़ार सात सौ कुछ ऐसा आएगा आपका नाइन्टी फाइव से ज़्यादा और हंड्रेड से कम कोई ऑप्शन है क्या इसमें एट्टी सिक्स ठीक है ऑप्शन नंबर टू नाइन्टी सिक्स करेक्ट होगा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं नाइन्टी सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप वन सिक्सटी सेवन से तो क्या होगा फोर्टी टू जीरो वन जीरो ठीक है थ्री फाइव फोर और सिक्स जीरो हो जाएगा जीरो वन फाइव तो कितना आ गया ये वन सिक्स जीरो थ्री टू ठीक है ऑप्शन नंबर टू इज़ करेक्ट नाइन्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पचास से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है ये फिफ्टीन होती है यू शुड रिमेम्बर दिस दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के पाँच गुने में से तीन ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के चार गुने और छोटी संख्या के तीन गुने का योग इकहत्तर है ये संख्याएं हैं इसको इसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे क्या कह रहे हैं सबसे पहले सेकंड कंडीशन देखते हैं बड़ी संख्या के चार गुने बड़ी संख्या में तो चार का मल्टीप्लाई करेंगे छोटी संख्या में तीन का मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों का टोटल कर देंगे तो क्या चाहिए? 71 आना चाहिए सेवनटी आना चाहिए ठीक है देखते हैं पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं सत्रह इंटू फोर सिक्सटी एट वन इंटू थ्री सेवनटी वन टोटल आ रहा है ठीक है सेकंड कंडीशन देखते हैं ऑप्शन नंबर वन पे दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दो गुना बड़ी संख्या का दो गुना कितना हो गया थर्टी फोर छोटी संख्या के पाँच गुने से छोटी संख्या का पाँच गुना कितना हो गया फाइव से तीन ज़्यादा है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसका मतलब दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग सेकेंड ऑप्शन देखते हैं बड़ी संख्या का चार गुना चौदह इंटू फोर हो फिफ्टी सिक्स प्लस छोटी संख्या का तीन गुना छोटी संख्या है आपकी फाइव फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन ये हो गया आपका सेवनटी वन ठीक है सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना बड़ी संख्या का दोगुना हो गया ट्वेंटी एट छोटी संख्या के पाँच गुने से पाँच ट्वेंटी फाइव तीन ज़्यादा है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए आपसे नंबर टू इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा आठ सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई सोलह सेंटीमीटर है आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए मीन्स एक आयत दिया गया है आपको और एक वर्ग दिया गया है जिन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो आयत का वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर एट इंटू एट बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुण चौड़ाई लंबाई कितनी है सोलह सेंटीमीटर चौड़ाई कितनी है एक मान लीजिए आप तो इसको सॉल्व कर लीजिए एक और कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर अपॉन सिक्सटीन फोर फोर सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वाई थ्री इक्वल्स टू बी वाई फोर इक्वल्स टू सी वाई सेवन तो ए प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान क्या होगा इस क्वेश्चन में क्या करते हैं इसमें ए बराबर थ्री रख देते हैं बी बराबर फोर रख दीजिए सी बराबर सेवन रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा रख दीजिए आप थ्री प्लस फोर प्लस सेवन अपान सेवन कितना हो गया सेवन सेवन फोरटीन सेवन ये आएगा टू ऑप्शन नंबर टू इस करेक्ट आंसर भी दो है और ऑप्शन नंबर भी दो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि पाँच जनवरी उन्नीस सौ इक्यानवे को शनिवार था तो तीन मार्च उन्नीस सौ बानवे को कौन सा दिन होगा देखिए क्या था पाँच जनवरी पाँच जनवरी उन्नीस सौ इक्यानवे को क्या है आपका सैटरडे है ठीक है तो तीन मार्च उन्नीस सौ बानवे को पूछा है इन्होंने तीन मार्च वन नाइन नाइन टू अब देखिए इसमें अगर एक साल का ऐड कर दें तो पाँच जनवरी उन्नीस सौ बानवे को क्या होगा पाँच जनवरी उन्नीस सौ बानवे को संडे होगा यहाँ से क्या निकला ये निकला कि पाँच जनवरी उन्नीस सौ बानवे को संडे है और नाइनटीन नाइन्टी टू फोर से डिविजिबल है इसका मतलब ये क्या है ये लीप ईयर है लीप ईयर का मतलब है फरवरी में कितने होंगे आपके ट्वेंटी नाइन डेज होंगे ठीक है ना जो फरवरी महीना होगा आपका वो 29 डेज़ का होगा तो देख लीजिए आप कहाँ तक जाना है आपको तीन मार्च तक जाना है तो जनवरी में कितने दिन और लेफ्ट हो गए ट्वेंटी जनवरी में हो गए ट्वेंटी फरवरी में हो गए और तीन दिन मार्च में हो गए टोटल कितने हो गए ये आ गया आपका फिफ्टी डेज़ तो फिफ्टी डेज़ के बाद कौन सा दिन होगा फिफ्टी डेज़ के बाद देख लीजिए इसको सात से डिवाइड कीजिए सात अट्ठे फिफ्टी सिक्स आठ आठ वीक तो कंप्लीट हो जाएंगे और दो दिन एक्स्ट्रा बच गए इसका मतलब है कि संडे प्लस टू आंसर आएगा संडे प्लस टू का मतलब हो गया मंडे ट्यूजडे ट्यूजडे इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन इज़ करेक्ट मंगलवार नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन बाई थ्री रेस्ट टू पावर माइनस थ्री माइनस वन बाई फोर रेस्ट पावर माइनस टू डिवाइड बाई वन बाई फोर रेस्ट पावर माइनस थ्री को सॉल्व कर रहे हैं ठीक है कर लेते हैं सॉल्व इसको वन बाई थ्री रेस्ट पावर माइनस थ्री है इसको चेंज कर लेते हैं थ्री रेस टू पावर क्या लिख सकते हैं इसको थ्री लिख सकते हैं माइनस वन बाई फोर रेस और माइनस टू है पावर पॉजिटिव कैसे हो जाएंगी इसको ले लेते हैं फोर रेस टू पावर टू हो गया इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिवाइड बाई फोर रेस टू पावर थ्री ठीक है तो ये क्या हो गया नाइन माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू डिवाइड बाई कितना आ गया फोर रेस टू पावर थ्री चार छक्के सोलह चौंसठ सिक्सटी फोर आ गया सिक्सटीन माइनस नाइन कितना होगा डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका सिक्स प्लस वन सेवन सेवन अपॉन गड़बड़ रहा क्या नहीं हाँ यहाँ पे कितना था क्यूब था तीन नौ तीन सत्ताईस ट्वेंटी सेवन माइनस वन सिक्स आएगा ट्वेंटी सेवन माइनस वन सिक्स इक्वल टू सिक्सटी फोर तो ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन कितना होगा ये हो जाएगा आपका सेवन प्लस फोर एलेवन एलेवन वाई सिक्सटी फोर ऑप्शन देखिए इसमें एलेवन वाई सिक्सटी फोर ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड का हम अगर टोटल करें तो वो टोटल हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए देखते हैं कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई होती है आप नंबर वन टेस्ट करते हैं पहली दो भुजाओं का टोटल करते हैं छः पाँच ग्यारह ठीक है दूसरा फोर पॉइंट सिक्स कंडीशन सेटिसफाई हो रही है छः और चार दस इससे बढ़ा रहा है ठीक है पाँच और चार नौ छः से बढ़ा है इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नेक्स्ट में देखते हैं सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर टेन पॉइंट एक सौ पाँच एम एम है ये थर्टी नाइन एम एम है तो ये कितना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका थ्री पॉइंट नाइन सेंटीमीटर तो टोटल करें किसका टेन पॉइंट फाइव प्लस थ्री पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट फाइव से बढ़ा है ठीक है सेटिसफाई हो रहा है सिक्स पॉइंट फाइव प्लस थ्री पॉइंट नाइन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका नाइन पॉइंट पॉइंट नाइन टू पॉइंट फाइव पॉइंट फोर और टेन पॉइंट फोर इज़ लेस देन टेन पॉइंट फाइव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ऑप्शन नंबर टू इज़ रॉन्ग ऑप्शन नंबर थ्री देखते हैं फाइव पॉइंट थ्री प्लस थ्री पॉइंट फाइव एट पॉइंट एट इज लेस देन नाइन पॉइंट टू इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है छः थ्री प्लस थ्री इक्ल्स टू सिक्स ये इसके बराबर आ रहा है मीन्स ये भी सैटिस्फाई नहीं हो रही है सिर्फ ये जो कंडीशंस हैं जो लेंथ हैं साइड्स आप ट्रायंगल्स, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं और इससे एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो सकता है इसका मतलब ऑप्शन नंबर वन इज़ करेक्ट नेक्स्ट इज़ रूट थ्री क्यूब रूट फोर क्वार्टर रूट फाइव को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ठीक है कर लेते हैं इसको क्या दिया गया है थ्री रैज टू पावर वन बाई टू ओके फोर रैज टू पावर वन बाई थ्री एंड फाइव रैस टू पावर वन बाई फोर टू थ्री एंड फोर का एलसीएम ले लीजिए आप टू थ्री फोर का एलसीएम कितना आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा ट्वेल्व का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर ट्वेल्व का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे पावर आ जाएगी सिक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर आ जाएगी फोर यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर आ जाएगी थ्री ठीक है ना ट्वेल्व का मल्टीप्लाई कर दिया अब इसका इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा ठीक है ना इसका मतलब क्या है थ्री रैस टू पावर सिक्स जो है ना वो सबसे बड़ी संख्या नजर आ रही है यहाँ पे पाँच पंचे पच्चीस एक सौ पच्चीस ये आ गई आपकी वन ट्वेंटी फाइव ये आ गई आपकी सोलह चौंसठ इंटू फोर चार चौकी सोलह और चौबीस पच्चीस टू फिफ्टी सिक्स कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिखेगा आर वही क्रम की बात करें तो फाइव ये वाला टर्म सबसे पहले आएगा फिर इसके बाद आएगा फोर फिर इसके बाद आएगा थ्री वाला टर्म मीन्स फाइव फोर थ्री में जाएंगे तो आरोही क्रम इसका आएगा फाइव फोर थ्री ऑप्शन नंबर टू इज़ करेक्ट ठीक है ना इसके बाद चलते हैं ठीक है सारे क्वेश्चन हो गए ये सारे मैथमेटिक्स का पार्ट था और जो भी आपके पार्ट्स रह रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे थैंक यू